नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बिगिनर्स कोर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। जब हम कोर की बात करते हैं, कोर मसल्स इज नॉट जस्ट आपकी एब्डोमिनल मसल जो आजकल सिक्स पैक एब्स, नहीं, कोर मतलब कोर जो है आपकी एक कॉर्सेट की तरह होती है जो आपकी एब्डोमिनल से लेके पीछे की बैक मसल्स सबको इनकॉर्पोरेट करती है। ये एक बेल्ट की तरह होती है जो आपकी बॉडी को स्टेबल बनाती है आपको अपराइट करने में, ताकि आप सीधा बैठ सकें, सीधा चल सकें। कोर आपके पॉस्चर को बेटर करती है, कोर आपके बैकएक को रिड्यूस करती है। कोर स्ट्रांग कोर जब होती है तो आपकी एब्स अपने आप डिफाइन होंगी और आप ज्यादा अच्छे से कोई भी एक्सरसाइज कर पाएंगे। आपका डेली स्टैमिना ज्यादा बेटर होगा, आपके पेन्स कम होंगे। ध्यान रखिए, जब हम बिगिनर्स कोर एक्सरसाइज की बात करते हैं, आप में से मोस्ट ऑफ यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस, लेकिन अगर आपको पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पहले जाके किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर कंसल्ट करें बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। ध्यान रहे, जब हम बिगिनर्स एक्सरसाइज की बात करते हैं, इट डजंट मीन आप जैसे ही हैं वैसे ही ये एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। आप जो है 5 से 10 मिनट का वार्म अप लेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। 5 से 10 मिनट के वार्म अप का मतलब है कि आप जो है 5 मिनट साइकिलिंग करिए, 5-10 मिनट वॉकिंग कीजिए, थोड़ी देर जंपिंग जैक कीजिए, या फिर आप डांसिंग कीजिए, या फिर आप सूर्य नमस्कार कीजिए। कुछ शुरू करने के बाद फिर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। हर एक एक्सरसाइज को आप 10 बार करेंगे। 10 बार का हम एक सेट बनाएंगे और ऐसे हम 3-3 सेट करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप 1 से 2 सेट से शुरू करें, लेकिन देखिए कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप हमेशा इसमें बेटर होंगे। ध्यान रखिए, ये अभी भी सिर्फ बिगिनर कोर वर्कआउट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, ये मोस्ट ऑफ यू, आप सबके लिए ये सेफ होगी, ठीक है। जब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, सबके सेट्स पूरे आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करेंगे और अपना वर्कआउट एंड करेंगे।